नमस्ते, यहाँ आपके पार्सल है, आप इसे ले सकते हैं। ओह धन्यवाद। चलो अब देखते हैं कि उन्होंने मेरे बॉक्स में क्या रखा है। ओह गुलाबी पोछा, बढ़िया है। यह निश्चित रूप से मुझे अपने फेवरेट घर से जालों को ग्लैमरस तरीके से हटाने में मदद करेंगे। ओह कितना विशाल मकड़ा है, डर के मारे कहीं मेरे सारे बाल ही सफेद ना हो जाए। ओह नहीं, यह कितना विशाल मकड़ा है। वाह, मेरा वैक्यूम क्लीनर सारे मकड़ों को अपने अंदर खींच लेगा। और मेरे लिए क्या है? या रबर के दस्ताने। अब मैं अपने सपनों के घर से कचरा साफ कर दूंगी। सबसे पहले जाले, बढ़िया। वाव किम, हाँ मुझे पता है कि मैं वाव हूँ। यह गुलाबी कालीन मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन मुझे घर के अस्तर के लिए इसकी जरूरत है, इसलिए मैं एक स्टेपलर पकड़ती हूँ और इस खूबसूरत नरम गुलाबी कालीन के साथ घर को ढकना शुरू करती हूँ। मुझे यह रंग बहुत पसंद है, खिड़कियों के बारे में भी नहीं भूलना है। वाह, और यह दिल घर की छत पर अद्भुत लगेगा। सभी को पता चलना चाहिए कि सुंदर किम यहाँ रहती है। और अब मुझे बालों को थोड़ा ट्रिम करने की जरूरत है, लेकिन मेरे नहीं घर के। इसके लिए उसकी देखभाल की जरूरत है, जो मैं हमेशा सुंदर रहने के लिए अपनी करती हूँ। और मेरा मुलायम घर तैयार है। ओ लगता है वो घर सजा रही है, मैं भी करूँगा। और मुझे इसके लिए नीली प्रिंगस की जरूरत होगी। आखिर मैं बचपन से ही इन चिप्स को खाता आया हूँ और साथ ही इन डब्बों को जमा करता आया हूँ। मुझे इस समय के लिए उनकी जरूरत थी। और यहाँ मेरे फेवरेट नीले गमी रहेंगे। लेकिन इतना ही नहीं है, ओरियो, मुझे ये कुकीज बहुत पसंद है। चलो इसे छत पर चिपका दे। वाह ये यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है। और एक झंडा तैयार। आउच मिया, तुम वहाँ क्या कर रही हो? ओह मैं बलून फुला रही हूँ। ये पीले बलून मेरे घर को सजाने के लिए एकदम सही है। मुझे सभी बलून्स को फुलाना होगा ताकि एक घर के लिए काफी हो। और यह आखिरी वाला। ओह मैं थक गई हूँ। ओह मुझे आंखों के सामने तारे नजर आ रहे हैं। ओह मिया तुम कैसी हो? मैं एकदम ठीक हूँ। अब मैं अपने घर को सजाऊंगी, तो चलो नीचे से शुरू करें और ऊपर जाएं। ये पीले बलून मुझे लंबे सॉसेज की याद दिलाता है। हाँ ये बहुत फनी लगेगा। लग रहा है मेरा घर हवादार और रंगीन होगा और मेरा काम हो गया। वाव केले बहुत स्वादिष्ट है, लेकिन मुझे और चाहिए। चलो एक गड्ढा खोद लिया और अंदर एक केला डाल दिया, बढ़िया। अब इसमें पानी डालेंगे और फिर थोड़ा इंतजार करेंगे। वाव मैंने कितना सुंदर पेड़ उगाया है। और यहाँ मेरे फेवरेट केले हैं। और यहाँ मुझे पक्का से अपने सन बेड की जरूरत होगी, जिस पर मैं आराम कर सकती हूँ। मैं अपने सिर को ढक लेती हूँ ताकि धूप ना लगे। ओह केले, मुझे लगता है अगर मैं एक दो खा लूँ तो पड़ोसी को कोई आपत्ति नहीं होगी। अरे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? नहीं इधर मत आना। अच्छा ठीक है, तो मुझे कुछ जल्दी से सोचना होगा कि मैं क्या कर सकता हूँ। ओह हाँ मेरे पास एक कार है, लेकिन मैं इसे कहाँ रोल कर सकता हूँ? अब मैं एक विशाल रेसिंग स्लाइड बनाने जा रहा हूँ। इसे यहाँ लगाया और इधर भी। वाव कितना अच्छा, यहाँ कार को और यह फोर। वाव कितनी तेजी से आ रहा है, कितना अच्छा। आह ये लड़के भी ना बस। खैर मेरे पास यहाँ कुछ और दिलचस्प चीजें हैं। यहाँ कुछ उपकरण और मेरे झूले के हिस्सों का एक छोटा सा सेट है, मुझे बस इकट्ठा करना है और मैं इसे कुछ ही समय में कर लूंगी। बस इस तरह से। वाओ मेरा गुलाबी झूला तैयार हो गया और मैं अपने यूनिकॉर्न के साथ यहाँ खेल सकती हूँ। बहुत बढ़िया। और यहाँ मेरा मेल बॉक्स एकदम सही रहेगा। वाओ मुझे भी एक मेल बॉक्स चाहिए। अक्सर मेरे फैंस मुझे लेटर भेजते हैं। मैं फूल को पेंट में डुबो कर मेल बॉक्स पर फूल प्रिंट कर दूंगी। कितना सुंदर है। वाओ कूल, मेरे पास एक अच्छा आइडिया है। मुझे भी मेल बॉक्स चाहिए। हिप्पो बॉब से मिलो, यह मेरे मेल की रक्षा करेगा। हेलो सभी को, हेलो, मैं पोस्टमैन सैम हूँ और मैं तुम्हारी चिट्ठियाँ लाया हूँ। वाओ तुम्हारा मेल बॉक्स कितना अच्छा है मिस, यहाँ तुम्हारा लेटर है। ओह गुड आफ्टरनून मिस्टर डैन, मैं तुम्हारे लिए भी लेटर लेकर आया हूँ। दर्द हो रहा है, मैं तुम्हारे लिए कोई और मेल नहीं लाऊंगा, अपना मेल बॉक्स बदलो। और यहाँ कौन रहता है? वाओ क्या खूबसूरती है। मैं माफ करना, मैंने ये जानबूझकर नहीं किया, यह अजीब था।
यहाँ आपका लेटर है, मेरी मिस यूनिवर्स। धन्यवाद, मुझे जाना है, जल्दी मिलते हैं। इस कार से मैं अब बोर हो गया हूँ। हाँ, मैंने अभी तक घर के अंदर कुछ नहीं किया है, मुझे जल्द ही अपने सपनों का घर बनाना है। ओह, ये यहाँ कितना खाली है, मुझे यहाँ कुछ अच्छा चाहिए। मैं दीवारों से शुरू करूँगा, दीवारों पर नीला रंग एकदम सही लगेगा। अब मैं सब कुछ पेंट करूँगा। ओह, मुझे पेंटिंग बहुत पसंद है। अब आगे क्या करूँ? ओह हाँ, बिल्कुल कालीन। ये सॉफ्ट पजल्स एक असली लड़के के कमरे में शानदार दिखेंगे, पर कुछ कमी है। यहाँ मेरे खिलौनों के साथ एक दीवार होगी और वे यह रहे। वाह, अब मैं यहाँ सब कुछ लटका देता हूँ ताकि सभी जान जाए कि मैं कूल हूँ और मैं केवल कुछ खिलौनों के साथ खेलता हूँ। यो, और ब्लू मैन हर चीज की रक्षा करने के लिए। और दीवारों पर मेरे कुछ पेंटिंग्स और क्रिस्टल्स, कभी भी खराब नहीं लगेगा। ओह, और मुझे इस टेबल की भी जरूरत होगी। वाओ, और इस पर रखने के लिए मेरे पास कुछ है। या मेरे हैमस्टर के लिए घर। मेरे छोटे हैमस्टर पीट से मिलो, वो मेरे साथ रहेगा। और यह बीन बैग मेरे लिए है। अब सब कुछ तैयार है, कूल। अब आराम कर सकते हैं और मेरे छोटे दोस्त के साथ मजा कर सकते हैं। वो मेरे गेम्स के लिए लकी होता है। मुझे मेरे सपनों का घर मिल गया, मैं बहुत खुश हूँ। यह अद्भुत है। ओह, मैं भी अपने कमरे को महल की तरह सजाना चाहती हूँ, लेकिन पहले मैं अपना मैनिक्योर कर लेती हूँ। ओह, ये गुलाबी नाखून किसी को भी दीवाना बना दे। और ये दीवारें इतनी सफेद क्यों है? ऐसे नहीं चलेगा, तुरंत इसे तुरंत गुलाबी रंग से पेंट करना होगा। चलो। वाह, कितना प्यारा है, पूरे कमरे में दिल ड्रॉ कर दिया, बहुत सुंदर लग रहा है, बिल्कुल मेरी तरह। वाह, मेरा गुलाबी कमरा, लेकिन फर्श खाली है, अच्छा नहीं लग रहा है। गुलाबी कालीन अब चलन में है और यहाँ कुछ दिल और एक सुंदर लाइट यहाँ अच्छी लगेगी। बढ़िया, मैं सभी के लिए प्यारे किसेस भेज रही हूँ। और मेरे पास यहाँ क्या है? यह सुपर लंबे हाथ पैर वाला गुलाबी जिराफ। मेरी ओरिजिनल पेंटिंग यहाँ पर। बहुत अच्छा, और यह टेबल यहाँ पर अच्छा है। मेरे पास अपना सामान रखने के लिए कोई जगह नहीं है, और यहाँ एक आईने के साथ एक अच्छी टेबल होगी ताकि मैं हर दिन सुंदर दिख सकूं। ओह, मेकअप को अपडेट करना जरूरी है। मैं चमक रही हूँ, मेरे बाल सबसे नरम है, और एक अच्छा परफ्यूम सफलता की कुंजी है। अब मैं बहुत अच्छी दिख रही हूँ। ओह, मेरा कमरा तैयार है, यह सबसे सुंदर है। ओह, मैं तुम्हें इस घर की एक और सुंदर चीज से मिलवाना लगभग भूल गई। यह मेरी बिल्ली मार्टा है। ये सफेद दीवारें मुझे दुखी करती हैं। मुझे इसे तुरंत ठीक करना होगा। और मेरे पास एक अच्छा आइडिया है। पहले हम दीवारों को चमकदार और अधिक पॉजिटिव बनाने के लिए पीले रंग से रंग देते हैं। मैं पेंट डालती हूँ और इसे रोलर से मिलाती हूँ। मुझे दीवारों पर पेंट करना बहुत पसंद है। अब मैं सूरज ड्रॉ करूँगी। देखो, यह कितना आसान था। और इसकी किरणें इस तरह से। वाओ, चलो तुम पर भी पेंट लगा देती हूँ। और दीवार पूरी तरह से तैयार है, लेकिन फर्श खाली है। यहाँ पर बालू की जरूरत है। मुझे सी बीच की बालू बहुत पसंद है, ये बहुत नरम और गर्म है। हाँ, थोड़ा और डाल देती हूँ। बहुत बढ़िया। और दीवारों पर कुछ पोस्टर्स की भी जरूरत है। मेरे पास एक नाजुक फूल और एक कूल बत्तख है, यहाँ और यहाँ। वाओ, और इस मेरे रैक को देखो। और मैं लगभग अपने फेवरेट दोस्त के बारे में भूल गई, एक डक सॉफ्ट टॉय। यह सब कितना अच्छा लग रहा है, मैं तुम्हें यहाँ रखूंगी। और मुझे एक टेबल की भी जरूरत है, मुझे एक छोटी कुर्सी भी चाहिए। यह पीला इन्फिलेटेबल सर्कल एकदम सही है, यह इतना अच्छा लग रहा है कि मेरा गिटार बजाने का मन हो रहा है। हाँ, आपको यह कैसा लग रहा है? मैं बाद में एक म्यूजिक कंसर्ट करूंगी, लेकिन अभी के लिए यहाँ। छत पर फूल सही होंगे, और मेरे प्यारे पालतू जानवर की एक तस्वीर, ये बहुत प्यारा है, मैं उससे प्यार करती हूँ।
वैसे रिची खुद कहाँ है? रिची मेरे पास आओ। हेलो मेरे दोस्त, चलो खेलते हैं। तुम्हें खेलना पसंद है ना? आओ साथ में गाते हैं। क्या पिज्जा इतना छोटा क्यों है और जॉन का साधारण है? हाँ मैं बहुत लकी हूँ। वाओ क्लोए, क्या इस आकार का पिज्जा भी मिलता है? अपना चश्मा पोछो नर्ड, मेरा पिज्जा देखा, यह मिलता है लेकिन एमा सबसे पहले खाने वाली है। बिल्कुल बिल्कुल, उसके पास एक सुपर छोटा पिज्जा है लेकिन मुझे नहीं चाहिए था। चलो मेरा हो गया, यह स्वादिष्ट था लेकिन पेट खाली है। हाँ हाँ अब मेरी बारी है, मुझे अपना पिज्जा खाना शुरू करना होगा। वाओ चीज इतना स्ट्रेची है, तो तुम मेरा पिज्जा चोरी करने की कोशिश भी मत करो। ओ, रुको, ये तुम्हारा नहीं है, मैंने सभी टुकड़ों को गिना था। चलो वापस खाने पर आते हैं, मेरे पास दो और हैं, इन दोनों को इकट्ठा कर देता हूँ और अब खाऊंगा। वाओ कितना चीजी है। चलो अब तुम्हारी बारी है क्लोई, मुझे बताने के लिए धन्यवाद नर्ड। चलो पहले टुकड़े से शुरू करते हैं। वाओ मेरे पास निश्चित रूप से एक साल के लिए काफी पिज्जा है। वाओ दोस्तों मुझे माफ करो लेकिन यह हिस्सा केवल मेरे लिए है, इसलिए मैं उसे शेयर नहीं कर सकती। सभी टुकड़ों के लिए पेट में काफी जगह है। मैं रुक नहीं सकती। तुम्हें रुकना चाहिए, तुम इतना कहाँ फिट कर पा रही हो? ओ नहीं मेरा पेट, वो इतना बड़ा हो गया है। तुम क्यों हंस रहे हो? मेरी मदद करो एमा प्लीज। यह काम बिल्कुल मेरे लिए है। चलो क्लोई अपनी जगह से निकल जाओ। ठीक है क्लोई, यह ट्रेडमिल है। ट्रेडमिल या क्लोई है, क्या तुम पहले मिले हो और अब हम दोस्त बनने वाले हैं। क्लोई आलसी मत बनो, एवरेज स्पीड और दौड़ो जल्दी क्लोई, पिज्जा केक स्लाइस के लिए। चलो दौड़ो, चलो चलो और करो। ओह चलो और। ओह क्या तुम इसे मुझे तुरंत दे सकती हो? ये इतना स्वादिष्ट है। और हो गया। वाओ क्लोई तुम पहले से भी बेहतर दिख रही हो, तो चलो एक फोटो लेते हैं। और यह क्या है? मेरे प्लेट में कोई टुकड़ा है, खाना कहाँ है? ओह मेरे पास बड़ा मार्शमेलो है। और यह क्या है? ओह चलो इधर देखो भी मत, चलो अपना खाओ। ठीक है। वैसे मेरे पास एक शानदार आइडिया है, मैं अपने छोटे मार्शमेलो को पकाऊंगी ताकि यह तुम सभी की तुलना से बेहतर स्वाद दे सके। एक फ्राइंग पैन में मार्शमेलो को भूनूंगी और इसे निकालती हूँ। बहुत बढ़िया, और अब इसे खाती हूँ। वाओ यह बहुत स्वादिष्ट था। चलो अब तुम कर सकती हो। बढ़िया, मैं भी अपने मार्शमेलो को भूनना चाहती हूँ। हम इसे एक स्टिक पर डालते हैं और बर्नर निकालते हैं। एक छोटे से आग से भूरे रंग का स्वादिष्ट ट्री। वाओ कितना सुंदर सुनहरा रंग है, चलो इसे खाती हूँ। वाओ यह स्वादिष्ट है, अद्भुत, मुंह में घुलता जा रहा है। जॉन तुम शुरू कर सकते हो। हाँ आखिरकार मेरे पास एक बढ़िया आइडिया है, मैं इस मार्शमेलो को पूरी तरह से भूनने जा रहा हूँ, ज्यादा आग की जरूरत है। ओह बिल्कुल सही रंग, वाह और क्या महक है। तो ऐसा लगता है सब कुछ तैयार है, अब मैं इसे ट्राई कर सकता हूँ। ओह कितना क्रिस्पी हो गया मुझे लगता है। जॉन तुम एक जंगली जानवर की तरह कर रहे हो। हाँ मैं हूँ, क्या ये एक अच्छी बात है या बुरी बात? क्या हुआ अम्मा? वाह यह पॉपकॉर्न की मेरी बकेट है। अरे मेरा साइज देखो, यह बहुत सारे पॉपकॉर्न है। वाह और तुम्हारे बारे में क्या? ओ जॉन यह सच्ची में सबसे छोटा पॉपकॉर्न है जिसे मैंने कभी देखा है। तो क्या यह स्वादिष्ट है या पक्का है? लेकिन मैं इसे बड़ा कर सकता हूँ। ओ हाँ मेरे पास एक विशेष बीम है, हमें इसे आजमाने की जरूरत है। इसे जगह पर रखते हैं, प्रोटेक्टिव चश्मा लगाते हैं और चालू करते हैं। ओ तैयार हो जा, वहाँ कुछ बड़ा होने वाला है। अरे क्या यहाँ क्या हो रहा है? क्या क्या वो और भी छोटा हो गया है? हमें योजनाओं को फिर से देखने की जरूरत है, कहीं कुछ गड़बड़ हो गया है। चलो इसे फेंक देता हूँ मशीन को और मैं इसे खा जाता हूँ। चलो अब तुम करो। बढ़िया, चलो अब यह खाते हैं। वाह यह बहुत स्वादिष्ट है, मैं सब कुछ जल्दी से खाने जा रही हूँ। एमा तुम सुपर फास्ट हो। आखिरी बचा है। सभी अच्छी चीजें जल्दी खत्म हो जाती है, मेरा हो गया, तुम्हारी बारी है। वाह आखिरकार मैं अपने स्वादिष्ट ट्रीट का मजा ले सकती हूँ, मुझे पॉपकॉर्न बहुत पसंद है।
चलो मैं पहली हूँ। चलो ओह मेरे साथ भी शेयर करो। ओह ये कितना स्वादिष्ट है और यहाँ बहुत सारे हैं। ओह चलो मैं और पकड़ता हूँ। क्या मेरा खत्म हो गया? ओह चलो मैं इसके अंदर घुस जाती हूँ। ठीक है। क्या इतना छोटा सा प्रिंगल्स? अरे नहीं जॉन, तुम सिर्फ एक लूजर हो। मेरे पास बड़ा पैक है। हालांकि नहीं, यह चिप्स का मेरा विशाल पैक है। क्या जॉन? ठीक है तुम पहले शुरू कर सकते हो। ओह अच्छा है, चश्मे के साथ भी इस पैकेज को देखना मुश्किल है। मेरा माइक्रोस्कोप निश्चित रूप से यहाँ काम आएगा। चलो खाते हैं। ओह मैंने सब गिरा दिया और तुम्हें बस मुझ पर हंसना है। ठीक है एम्मा, तुम्हारी बारी है। बहुत बढ़िया, एक अच्छा आइडिया है मेरे पास। अब मैं तुरंत सभी चिप्स बाहर निकालती हूँ। तैयार, देखो कितना अच्छा मैंने फिंगर स्केट खरीदा है। है ना अच्छा? ठीक है अब मैं प्रोफेशनल की तरह स्केटिंग करूँगी, लेकिन उंगलियों पर, इस तरह। यह मेरे मुंह में कुछ चिप्स फेंकने का एक शानदार तरीका है। ठीक है दोस्तों, मेरा हो गया। क्लोई तुम जारी रख सकती हो। ठीक है, तुम कितनी धीमी हो, मुझे बहुत भूख लगी है। अब चलो पैकेट को खोलते हैं और खाते हैं। बहुत स्वादिष्ट है। कितना बड़ा सा प्रिंगल्स चिप्स है। हाँ इसलिए यह अधिक सुविधाजनक होगा यदि मैं उन्हें अपने मुंह में डालूं। ओ नहीं ये बहुत बड़ा है। आउच, कोई मेरी मदद करो। दोस्तों मेरा बैलेंस खराब हो रहा है, मैं गिर रही हूँ, बचाओ। और क्लोई वैसे कुछ चिप्स बाकी है। एम्मा चलो खाते हैं। तो हमें इस दुनिया का सबसे छोटा बर्गर खाना होगा। मेरे पास एक सामान्य बर्गर है। क्या इससे भी बड़ा होता है? निश्चित रूप से होता है। इस बड़े से बर्गर को देखो। वाह चलो मेरे पास एक अच्छा आइडिया है। यह मुझे दो और यह भी। मैं बढ़िया सा गुलेल बना सकता हूँ और यह तैयार हो गया। अब तुम सब देखोगे कि मैं अपने मुँह में बर्गर कैसे फेंकता हूँ। क्या तुम तैयार हो? ये पकड़ लिया। क्या तुमने इसे देखा? ये बहुत अच्छा था। चलो क्लोई अब तुम जारी रखो। बढ़िया, मुझे बहुत ही भूख भी लग रही थी। यह कितना रसदार और स्वादिष्ट है। मुझे बर्गर बहुत पसंद है। दोस्तों क्या मेरा चेहरा साफ है? सब कुछ ठीक है? क्लोई तुम फनी लग रही हो। बहुत अच्छा, तो एम्मा जारी रख सकती है। क्यों नहीं, लेकिन इसे बेहतर तरीके से कैसे खा सकती हूँ? ये बहुत बड़ा है। ओह हाँ मेरे पास एक बड़ा हथौड़ा है। अब मैं इसे चपटा करने जा रही हूँ। तैयार हो गया। यहाँ ऐसा साइज है जिसे मैं निश्चित रूप से खा सकती हूँ। चलो जल्दी खाती हूँ। वाह दोस्तों ये बहुत स्वादिष्ट है। वाह मैंने बहुत खा लिया। क्या मुझे इतना छोटा डोनट क्यों मिला है? और दूसरों के पास क्या है? खैर आखिरकार मैं लकी हूँ, एक बड़ा डोनट। हालांकि रुको, बड़ा नहीं। एम्मा क्या तुम्हारे पास फिर से विशाल डोनट है? मैं वास्तव में लकी हूँ, लेकिन क्लोई शुरू करेगी। मैं ठीक है, मैं इसे जल्दी से खा लेती हूँ। बस हो गया। जॉन तुम अपना डोनट खा सकते हो। हाँ सच में वाव। वाह कितना स्वादिष्ट है, मुझे डोनट्स बहुत पसंद है। लेकिन एम्मा मैं ये सच में जानना चाहता हूँ कि तुम इसे कैसे खाओगी। चलो खाओ। ठीक है मैं बिना मतलब के जिम नहीं जाती हूँ। डोनट को खींचने से पहले अच्छी से तैयारी करनी होगी। अपने हाथों पर थोड़ा सा पाउडर सही तरीके से पकड़ना है और तब मैं इस बड़े से डोनट को उठा सकती हूँ। मुझे बहुत मजबूत होना है। अरे वहाँ पर कौन है? अरे हटो, ओ मैं गिर रही हूँ। एम्मा तुम ठीक तो हो ना? हाँ मैं ठीक हूँ, और मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं स्वर्ग में हूँ या कहाँ। नया फोन, जो बेहतर बनाएगा उसे मिलेगा। समय शुरू हो गया है। अरे मैरी तुम्हारी नाक के नीचे कुछ है। ओह नहीं बेन, ऐसा मजाक अच्छा नहीं है। और मुझे लगता है बहुत फनी है, तो मैं एक पंख की मदद से फोन बनाने की कोशिश करूँगा। मैं इसे बहुत खूबसूरत बनाऊंगा। ओह ये तो टूट गया। कुछ और खोजना होगा। क्या चिकन? नहीं बदबूदार मोजा। ओह ये बहुत गंदा है। ओह यह क्या है? ओह मुझे चक्कर आ रहे हैं। ओह सॉरी जेन, मैंने ऐसा जानबूझकर नहीं किया है। आओ खोज जारी रखे। यह नहीं, कैंडी भी नहीं। ओह और मुझे इसकी जरूरत होगी, सिक्का। बिल्कुल सही, इसकी मदद से मैं फोन को स्क्रैच करना जारी रखूंगा। थोड़ा यहाँ और कुछ बारीक काम। एक सिक्का हमेशा मदद करता है। और मेरा हो गया। मैरी तुम्हारा कैसा चल रहा है?
मेरा हाँ, मैं अभी ड्राइंग करना शुरू करूंगी, पर मैं भूल गई हमें क्या ड्रॉ करना है। ठीक है, फोन। मुझे कोशिश करनी होगी। जरूरी बात यह लिखना है कि किस तरह का फोन है, ताकि सभी को समझ में आ जाए। बहुत बढ़िया। मैं यहाँ हूँ, क्या तुम मेरे बारे में भूल गए हो? क्या तुमने ड्रॉ कर लिया? कितना समय हुआ है? अरे नहीं, मेरे पास कुछ करने का समय नहीं था। समय खत्म हो गया है, अपना काम दिखा। मैंने कुछ नहीं किया है। कोई बात नहीं, रिलैक्स करो। एक आइडिया है, मैं बेन के साथ ड्राइंग बदल दूंगी। मैरी, तुम्हारे पास क्या है? मेरे पास यह है। बहुत बढ़िया। बेन, तुम्हारे पास यह मेरा? यह भयानक है। क्या, तुमने मेरी ड्राइंग चुरा ली? ऐसे कैसे? हाँ बेन, तो क्या हुआ? मुझे फोन चाहिए था। हाँ, अब मुझे कुछ सेल्फी लेना है। क्या, यह तो एक भयानक सपने की तरह है। कैमरा भी है या नहीं इसमें? नया पुरस्कार बारबी है, है ना ये अच्छा? तुम लोग क्या कर रहे हो? जागो। अब मैं आपको कुछ ऐसा दिखाऊंगा जिससे सभी को दिलचस्पी होगी। यह सिर्फ एक बारबी नहीं बल्कि एक केक है। मैं देख रहा हूँ आप खुश है, तो अब तुम शुरू कर सकते हो। पर कैंडी मशीन से कैसे ड्रॉ करूँ? शायद हमें कैंडी खाने की जरूरत है। और फिर प्रेरणा दिखाई देगी। यह गम है, मैं इसे क्ले की तरह इस्तेमाल कर सकती हूँ। वाह, ना अच्छा निकला। यह अच्छा बन रहा है। ठीक है, तुम्हारा बहुत सुंदर बना है। मैं भी अब एक ड्राइंग बनाऊंगा जो तुमसे खराब नहीं होगा। तो यह होगा सी, और इसके लिए मुझे और गम चाहिए। लाल वाले एक बढ़िया ड्रेस बनाएंगे। मैरी, तुम्हें यह कैसा लग रहा है? मैंने कोशिश की है। ओह बेन, एक मॉन्स्टर की तरह दिख रहा है, बारबी नहीं। ओह वाह, मैं डिवाइस खोलने में कामयाब रही। बारबी को जल्द से जल्द ड्रॉ करने के लिए मुझे जितना ज्यादा हो सके गम चबाना होगा। तो गम की यह मात्रा पूरे ड्राइंग के लिए काफी होनी चाहिए। इस टुकड़े को रोल करते हैं और इसे यहाँ डालते हैं, और फिर यहाँ और इधर ऐसे। हाँ, इस तरह से। ओह, मेरा चश्मा कहाँ है? ओह, कहाँ गया? यह घिनौना क्या है? मेरे चश्मे को क्या हुआ? ओह, मेरा चश्मा गम में सना हुआ है। जैन, अपने चेहरे से गम हटाओ। समय समाप्त हो गया है, तुमने क्या किया है मुझे दिखाओ। जैन, जैन, टीचर इधर है। फिर से कुछ स्क्रिबल्स, यह एकदम बेकार है। आगे क्या है? वाओ मैरी, तुम्हारी ड्राइंग अद्भुत है। और बेन क्या दिखाएगा? हाँ, बेन को केक नहीं चाहिए, तो प्राइज जाता है मैरी के पास। तुम इसके लायक हो। अरे, बारबी बनाने में मेरी कोई बराबरी नहीं कर सकता। मुझे तुरंत केक का एक टुकड़ा खाना है। कितना स्वादिष्ट है। और यह एक और पीस। दोस्तों, ये बहुत स्वादिष्ट है, मुझे तुरंत एक और टुकड़ा चाहिए। यह इतना स्वादिष्ट है कि मैं इसे अपने हाथों से खाने के लिए तैयार हूँ। वाओ, बहुत स्वादिष्ट, मैं इसे पूरा खा लूंगी। क्या एक टुकड़ा हमें भी मिल सकता है? ठीक है लो, लेकिन मेरे लिए भी एक टुकड़ा छोड़ देना, ये बहुत अच्छा है। तो एक नया पुरस्कार, कॉस्मेटिक का एक सेट। लड़कियों, तुम खुश हो जाओगी। ठीक है, मैं बस ऐसे ही कर लूंगा। समय शुरू होता है अब। तो क्या हमें क्रेयन से ड्राइंग करना होगा? हाँ, यह आसान है। तो हमें आउटलाइन बनाने की जरूरत है, फिर यहाँ कुछ बारीक काम, और यहाँ एक जेल। इस पर पेंट कर सकते हैं, ये बहुत अच्छा निकला। मुझे भी ड्राइंग पसंद आने लगा है। लड़कियों, बताओ मेरा ड्राइंग कैसा है? सुंदर है ना? मुझसे अच्छा कोई ड्राइंग नहीं कर सकता। क्या ड्राइंग क्या होता है वो मैं तुम्हें दिखाऊंगी। और मेरे पास एक शानदार आइडिया है। रंग भरने में समय क्यों बर्बाद करें? हम क्रेयॉन को कद्दूकस कर लेते हैं और इसे कागज की दूसरी शीट से ढक देंगे। हाँ, और इसके बाद गर्म आयरन से सब कुछ अच्छी तरह से इस्त्री करेंगे ताकि क्रेयॉन पिघल जाए, बस इस तरह से। देखो ये कितना आसान है। अब मैं कुछ अलग करूंगी। हाँ, तो मेरे पास उबलते पानी और क्रेयॉन है। मैं बस क्रेयॉन को तोड़ दूंगी और उन्हें गर्म पानी में डाल दूंगी, फिर वे वहाँ पिघल जाएंगे और पेंट में बदल जाएंगे। मैं मैरी की तुलना में तेजी से रंग सकती हूँ।
मुझे वास्तव में ये बहुत पसंद है। कितना चमकदार रंग है, बहुत बढ़िया। और यह गंध कैसी है? मैरी, क्या तुम ठीक हो? ओ नहीं, सब जल गया। मैं कॉस्मेटिक्स के बारे में सपना देख रही थी और सब भूल गई। अब मैं क्या करूं? मेरी ड्राइंग से दूर रहो। मैरी सावधान। ओ नहीं, मेरी ड्राइंग पर यह फैल गया, सब कुछ बर्बाद हो गया। घड़ी की सुइयां तेजी से चल रही हैं और समय समाप्त। अपना काम दिखाओ, पहले कौन दिखाएगा? तुमने क्या किया है मैरी? ओह, ये तो कुछ भी नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। और जेन ने क्या किया है? फिर डूडल। यह भी अजीब लग रहा है, शायद बेन ने कुछ ठीक किया हो। वाह, एक मास्टरपीस। मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा है। कॉस्मेटिक्स का यह सेट तुम्हारे पास जाता है, सुंदर। येलो। और मैं इसका क्या करूँगा? पता नहीं। क्या तुम्हें मेकअप करना है? जेन, क्या तुम्हें भी मेकअप की जरूरत है? लड़कियों, मुझे चक्कर आ जाएगा। मेरे पास एक आइडिया है, मुझे एक साथ तुम दोनों का मेकअप करने दो। तैयार? इस तरह से, और थोड़ा इधर और इधर भी, और सब तैयार हो गया। कैसा लगा? मैंने काफी मेहनत की है। सही रिएक्शन। बेन, तुमने क्या किया है? कितना डरावना है। अब तुम मुसीबत में पड़ने वाले हो। तो मेरी बिल्ली, मैं तुम्हें पुरस्कार के रूप में लेकर आया हूँ। तुम्हारे चेहरे से स्पष्ट है कि तुम्हें पुरस्कार पसंद आया है, तो चलो ड्राइंग शुरू करते हैं। मैरी, तुम बहुत खूबसूरत। हाँ, लिक्विड कैंडी के साथ एक बिल्ली ड्रॉ करना है। यह आसान है। एक लंबा शरीर, और मैं पंजे के बारे में नहीं भूलूंगा। हाँ, बढ़िया, मैंने सब कर लिया है। तुम किस लिए हंस रही हो? हाँ, शायद जब हम बिल्ली का ड्रॉ करना सीख रहे थे, तुमने उस दिन क्लास मिस किया था। अब मैं तुम्हें एक मास्टर क्लास दिखाऊंगी। चलो कोशिश करते हैं। कितना खट्टा है, मैं फिर से ट्राई करना चाहती हूँ। स्वादिष्ट। सभी चुप क्यों है? ये कैंडी बहुत स्वादिष्ट है। हाँ, क्योंकि उससे ड्रॉ करना है, खाना नहीं है। अब मैं तुम्हें एक मास्टर क्लास दिखाऊंगी, नहीं तो मेरी के पास ड्राइंग बनाने के लिए कुछ नहीं होगा। और यहाँ मेरी बिल्ली है, और ये बहुत सुंदर बनी है। हाँ दोस्तों, समय समाप्त हो गया है, मुझे आपके काम का इंतजार है। मैरी, क्या तुमने सच में सब खा लिया और कुछ भी ड्रॉ नहीं किया? चलो चलो, अपना काम दिखाओ। बेन ने क्या बनाया है? यह कुछ खास नहीं है। मुझे लग रहा है मैरी के पास कुछ भी नहीं है, और जेन क्या मुझे खुश कर पाएगी? चलो दिखा। वाओ, कितना ओरिजिनल। अच्छी बिल्ली, फिर तुम एक पुरस्कार के लायक हो। यह लो। हुर्रे, मैं जीत गई। मैं तुम्हें फ्लफी कहूंगी, क्योंकि तुम नरम और प्यारी हो, बहुत सुंदर हो। जेन, मुझे लगता है तुम्हारी बिल्ली मुझसे दोस्ती करना चाहती है। आ जाओ, इधर आओ।